कुमारी फाइनेंस भाई पर्सनल लोन दे रही है, तो मैं भी गरीब आदमी है, सभी यही सोचा ना भाई कि भाई एक जगह लोन उठावा तो एक जगह सबको पैसा छूट जाए, तो 3,000 रुपये सबका जमा करा दिया और 25 तारीख तक खत्म बैलेंस आ जाएगी। कितना लोन था? 3,00,000। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. फिर गए बे वो अब मालूम पड़ी आज के भाई के फ्रॉड कंपनी है। बाकी हाँ पकड़े कोई ना? कोई ना पकड़ ले रहे हैं ना, फार्म जमा करे जाने। आपके क्या हो? हाँ क्या हो? क्या चाहते हो? पैसा तो वापिस ले वाने सर। हमारे पास रसीद है। हाँ रसीद है हमारे पास, रसीद दे, हम रसीद दे हमको भाई, रसीद है। हाँ कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे आप? हाँ क्यों ना करावा सर, फ्रॉड कंपनी को गरीब आदमी ने और ज्यादा लूटी है। तो ये हमको कस्टमर के नाम पे ये रसीद। 28 जनवरी 2020 को मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया है। अगर ये कंपनी कुमारी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये मुझे अभी पता चला, और ये जनता कॉलोनी वैशाली नगर के अंदर स्टे करती है, आर के हॉस्पिटल के पास। हम में से 5-6 जने नेटवर्क में थे इनके, जो कि हमने नौकरी का लालच देके हमको बुलाया गया था। ना हमारा कोई इंटरव्यू हुआ और हमको सैलरी बेस पे बताया था 10,000 आपकी सैलरी है, 10,000 आपकी सैलरी है, और हमको बताया गया आपका टारगेट बेसिकली आपके 30 फाइल का आपका टारगेट रहेगा महीने की, आपकी 10,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया। फिर हमारा रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में हमने धीरे धीरे गांव को कवर, पहले सिटी को, धीरे धीरे एक एक कस्टमर हुआ, दो कस्टमर हुआ, तीन, ऐसे करते 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 आज महीने महीना भर पूरा होने जा रहा है। 15 दिन हो गए इस कंपनी को। कंपनी का लोन प्रोसेसिंग 25 दिन का बताया गया था, बोला हमें कस्टमर को जाके ये बताना है। कस्टमर पे हमारे पे ट्रस्ट करके, उम्मीदें करके, बहुत से जने गांव-गांव में मैं गया हूँ, बहुत से जगह जैसे पालरा गांव में गया हूँ, दाता गांव में गया हूँ, उन सभी कस्टमर से मैंने। कितने लोग हैं जो कितने फ्रॉड हुए जी इस कंपनी के अंदर? 150 से ज़्यादा लोग बाग इस फ्रॉड का शिकार हुए। कितना पैसा गया जी? एक जने का 3,000 से जोड़ के देखो तो सर 3,00,000 से भी ऊपर है। कहाँ पर कंपनी है जी? ये जनता कॉलोनी वैशाली, कुमारी फाइनेंस। क्या चीज़ बताएगी आपको इस तरह से लोगों से पैसा लेना, जमा लोन के लिए? पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट गया था, पर्सनल लोन का, कि आपको पर्सनल कस्टमर से आपको पर्सनल लोन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमें भी पहले नहीं था, हमें भी पहले कौन सी वेबसाइट थी, www.kumarifinance, जबकि हर गूगल नेटवर्क पे इसकी कोई वेबसाइट नहीं थी। ये पता नहीं किस एंगल से इन्होंने मुझे, इन लोगों ने हमें वेबसाइट चलाता था। ये कंपनी, ये कंपनी एक प्रतीक्षा मैडम कर गई थी जो कि पंजाब की है। ठीक है, और दो सर थे जो कि हमको बोला गया था कि अभी फाइल्स नहीं होगी। हमने तो फाइल्स कब की सबमिट करवाई थी कस्टमर की? नहीं वो फरार नहीं, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, किशनगंज थाना माकड़वाली रोड। ठीक है, आपका नाम? अभिषेक कुमार वैष्णव। ये वैशाली नगर में किसी को किराए की दुकान लेके और कुछ लोग पैसे लेके और लोन पास कराने की का झांसा देके लोगों को ठग रहे थे। इस पर इतला मिलने पर गए वहाँ पे तो पता चला कि ये लोग किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के नाम से लोगों को मूर्ख बना के और उस पर लोन दिलाने के नाम पे ठगी कर रहे थे, जिस पर अमनदीप सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब का है, और निर्भय सिंह जो जिला संगरूर के रहने वाले हैं, हरप्रीत सिंह बरनाला का है। ये लोग तीनों ने ऑफिस खोल के और लोन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूल कर रहे थे। इसमें ये फिलहाल तो अभी तीन है, बाकी इन्होंने एक लोकल कर्मचारी के रूप में कुछ लोगों को रखा था जिनको इस के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और आज अब तक लगभग इन्होंने करीब 50 से 100 लोगों के बीच में इन्होंने लोगों को ये लोन दिलाने के नाम पे ठगी। ये हर प्रत्येक 1,00,000 रुपये पे 1,000 रुपये अपना कमीशन बता के उनसे पैसे वसूल कर रहे थे।